हेलो लेब्रा वेलकम टू गुरु माहिंदी चारो और ये रीडिंग है इस बारे में कि मार्च मंथ में उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए सो so, ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में हो उसके बारे में ये करंट फीलिंग्स है ये रीडिंग है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए ब्र Queen of Adams, the said. The World tree Four of sorry five of एडम्स and Ten of Pentacles. Okay. So हमारे पास है Five of एडम्स फाइव ऑफ एडम्स के साथ लगता है जैसे कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे आई थिंक ये जो भी पर्सन है ये ऐसा फील कर रहा है कि जिस सिचुएशन में वो अपनी लाइफ में है इस वक्त जिस पॉइंट पे भी वो अपने लाइफ में है इस वक्त वहां वो इतने केपेबल नहीं है कि वो इस टेन ऑफ पेंथिकल्स का सपना देख सके एक कंफ्यूजन है इनके माइंड में एंड मोस्ट प्रोबेबली इस पर्सन को ये लगता है जैसे कि ये जो क्वीन ऑफ एथेम्स है जो कि आपको दर्शा रहा है उनकी नजर में नॉट लाइक कि आप इस वक्त क्वीन ऑफ एथम्स की एनर्जी में हैं बट ये पर्सन आपको वैसा ही देख रहा है उन्हें लगता है कि आप काफी स्टबन हो सकते हैं आप काफी पर्टिकुलर काफी हो सकते हैं तो ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि वो एक ऐसे पर्सन को चाहने लगे हैं जो उनसे बहुत अलग है जो कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं करता जो इनके लिए बहुत अट्रैक्टिव है आप दोनों का अपोजिट होना इनके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है ये पर्सन आपको एक बेस्ट्री की तरह देखता है जैसा लगता है कि आप उनके लाइफ में एक नई ही एनर्जी लेके आए हैं एक नया परस्पेक्टिव लेके आए हैं जिंदगी को देखने का बट एट द सेम टाइम ये पर्सन थोड़ा सा डरता भी है बिकॉज उन्हें लगता है कि वो आपको पूरी तरीके से समझते नहीं है तो पता नहीं आपके आइडियाज क्या होंगे आपके ड्रीम्स क्या होंगे आप उन्हें कैसे देखते होंगे सो so, ये सारी चीजें ये पर्सन इस वक्त सोच रहा है ऑल्सो ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि लिब्रा वो आखिर आपसे ऐसा क्या कहें कि आप um, उनके साथ रिलेशनशिप में आने को रेडी हो जाए या फिर अगर आप दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो एक स्टेप और आगे बढ़े अगर आप दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो भी ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि अभी बहुत कुछ बचा है आपके बारे में जानने को आपका हिडन साइड इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करता है और ये पर्सन लगातार कुछ ना कुछ सर्च uh, किए जा रहा है आपके बारे में लाइक like, लिब्रा को कैसे इम्प्रेस करना है लिब्रा को क्या पसंद है क्या नहीं लिब्रा कैसे उनके आ, प्यार में कह सकते हैं कि डेडिकेटेड हो सकते हैं उनसे या लॉयल हो सकते हैं आई डोंट नो ये पर्सन ऐसा सोच रहा है जैसे कि उन्हें भी कुछ प्रूव करने की जरूरत है ओके एक्जैक्टली मैं इस चीज को वर्ड्स में कैसे रखू मुझे समझ नहीं आ रहा बट लग रहा है जैसे ये पर्सन लगातार कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहा है कि आप भी उनमें वैसे ही इंटरेस्टेड हो जाए जैसे वो आप में है आप भी उन्हें वैसे ही एडमायर करें जैसे कि वो आपको एडमायर करते हैं एंड ये पर्सन अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी बहुत सारी एडवाइजेस ले रहा है कि अगर कोई आपके जैसा पर्सन हो थोड़ा सा शर्मिला या थोड़ा सा शांत स्वभाव का या थोड़ा सा हिडन uh, पर्सनालिटी रखने वाला मिस्टीरियस हो तो उससे कैसे डील करना है उस पर्सन का दिल कैसे जीतना है उस पर्सन को कंफर्टेबल कैसे फील करवाना है उस पर्सन को uh, किस तरीके से अपनी बात कही जाए सो ये पर्सन काफी हेजिटेट कर रहा है वो सोच रहे हैं कि वो किस तरीके से अपने आप को सेफ जोन में भी रखे और अपनी बात भी कह दे कहीं ऐसा ना हो लिब्रा कि वो आपसे कुछ कहे और आप सोचे कि ये पर्सन तो कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में है या डस्ट्रेट है या बस आपके क्लोज आना चाहता है जल्दी से जल्दी सो ये पर्सन थोड़ा संभल के चल रहा है अभी आपनी करंट फीलिंग्स ये पर्सन आपको बताना नहीं चाहता टेन ऑफ पेंटिकल्स का ड्रीम जो है इनकी आंखों में फ्यूचर आप दोनों का साथ में हो सारी चीजें परफेक्ट हो हर खुशी हो सो so, ये पर्सन एक स्वीट ड्रीम देख रहा है और इनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज है ये पर्सन मन ही मन सब कुछ ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है लाइक like वो आपसे ही शादी करेंगे कहाँ पे शादी करेंगे कैसे शादी करेंगे और जो भी उनके ड्रीम्स है ये पर्सन जैसे लग रहा है सब कुछ प्लान कर रहा है ये पर्सन उन लोगों में से है जो बहुत आसानी से अपनी स्माइल के पीछे अपने इंटेंशन को छुपा सकता है और सच कहे तो ये पर्सन आपसे भी ज्यादा मिस्टीरियस है आप इनको देखेंगे तो आपको जरा भी आइडिया नहीं लगेगा कि ये पर्सन आपके बारे में इतने ड्रीम्स देख रहा है और इस हद तक ड्रीम्स देख रहा है सो so ये काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी ऑल्सो दिड का कार्ड है यहाँ पे तो इस पर्सन को लग रहा है जैसे जब से आप आए हैं वो एबसेंट माइंडेड हो गए हैं मतलब रहते हैं जहां भी रहते हैं वो फिजिकली प्रेजेंट बट दिमाग कहीं और रहता है होश कहीं और रहता है और ड्रीम्स uh, में रहते हैं आज के लिए इस पर्सन को आजकल जो मिलता है उन्हें लगता है कि वो आपके जैसा ही है थोड़ा बहुत या फिर uh, कोई मैसेज देने आया है उनको आप दोनों के यूनियन के बारे में आप दोनों की दस्तनी के बारे में सो so, ये पर्सन एक तरीके से पूरी तरह से आपके प्यार में लॉस्ट है अलग दुनिया में है एंड ऐसा ना लगे आपको कि वो बिल्कुल आउट ऑफ माइंड है जैसा कि आजकल ज्यादातर लोगों को लग रहा है जिनसे भी वो मिल रहे हैं सो so, ये पर्सन सोच रहा है कि पता नहीं चीज़ है कैसे ठीक होगी और क्या उन्हें कहना चाहिए क्या नहीं बट द वर्ल्ड ट्री के साथ चेंज आ रहा है सो so, ये चेंज जल्दी बहुत कुछ रिवील करेगा और बहुत कुछ आपके सामने आएगा ओके okay? हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेंट नहीं होगी एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस हैं इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए लिब्रा सिक्स ऑफ ए सिक्स ऑफ वाइपी क्वीन ऑफ वो तो हमारे पास है द हाई, हाई प्रीस्ट सॉरी द हाई प्रीस्ट द हाई प्रीस्ट है यहाँ पे तो डेफिनेटली इस पर्सन को कुछ इंटन हो रहा है उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि वो उस पर्सन से मिल चुके हैं जो उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने वाला है जो उनका लाइफ पार्टनर है और जिसके साथ उनकी स्टोरी आगे बढ़ेगी इस पर्सन को लगता है जैसे की वो आपको जान ही नहीं दे सकते सिक्स ऑफ वनस के साथ इस पर्सन को यह महसूस होता है जैसे उन्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत है ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे इस ऑब्स्टेकल से भागने के बजाय उन्हें ऑब्स्टेकल्स को फेस करना चाहिए और यह पर्सन आपकी नजर में एक लूजर नहीं दिखना चाहता वो आपको ये नहीं शो करना चाहते कि वो इस रिलेशनशिप से सिर्फ इसलिए दूर जाना चाहते हैं बिकॉज वो इसे हैंडल करने के काबिल नहीं है ऑफ के साथ अगर आपको लगता है कि ये पर्सन साइलेंट है या आपसे थोड़ी दूरी बनाए हुए है तो वो इसलिए है क्योंकि ये पर्सन फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या करे और अभी उनके अंदर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि वो आपको अप्रोच कर पाए या आपको कोई कमिटमेंट दे पाए एंड इस पर ये पर्सन ये श्योर करना चाहता है कि जब वो आपके पास आए तो वो आपके प्यार के काबिल हो ये पर्सन खुद पे वर्क करना चाहता है ये पर्सन चाहता है कि जब आप उन्हें एक्सेप्ट करें तो वो पूरे दिल से करें एंड ये पर्सन लगता है जैसे इस बार ये सोच के ही वापस आएगा कि इस बार जब आप आगे बढ़े तो पीछे ना आना पड़े एंड चीजें बिल्कुल परफेक्ट हो तो so ये पर्सन जब कमिटमेंट देना चाहेगा तो वो पूरे दिल से आपको कमिटमेंट देंगे ऑल्सो द अर्थ मदर के साथ इस पर्सन को लग रहा है कि कुछ नया स्टार्ट हो सकता है आप दोनों के बीच ये है एक बर्थ के बारे में एक नए रिलेशनशिप के बारे में इस पर्सन को लगता है कि एक नया फेज स्टार्ट हो सकता है आप दोनों के बीच ये पर्सन फील कर रहा है जैसे यह क्वीन ऑफ वन बहुत ज्यादा प्रीशियस uh, है ओके okay, ये आप है इस पर्सन को लगता है कि आप काबिल है हर एक एफर्ट के जो भी वो कर रहे हैं आप काबिल है उनके अटेंशन के या उससे भी कहीं ज्यादा तो इस पर्सन को लगता है कि अगर उन्हें ये क्वीन ऑफ पानी है तो डेफिनेटली उन्हें एफर्ट तो करना ही पड़ेगा सो फिलहाल ये पर्सन यही फील कर रहा है चलिए देखते हैं कि आपके लिए और मैसेज किया है लिब्रा Mary Magdalene, teacher ऑफ वेकेंस You have something important to share. Follow the inner call. Do not let anything stop हेम तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट है शेयर करने के लिए अपने मन की आवाज को सुनना जरूरी है किसी भी चीज को खुद को रोकने मत दीजिए यानी जो आपका मन है वो कीजिए बिना किसी जजमेंट के बिना किसी फियर के ओके okay? तो ये है रीडिंग करंट फीलिंग्स की मार्च के मंथ के लिए आई होप आपको अच्छी लगी होगी Thanks for watching. Till next video. Bye.